डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है एंड करंटली हमारे देश में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड वहीं 4 प्रपोज्ड है जिसमें से 3 को अप्रूव भी किया जा चुका है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में इनकी डिटेल के बारे में ज़्यादा बात नहीं होगी और इनकी इंपॉर्टेंस और कैसे हमारी इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर हो सकता है इसके बारे में बात की जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है। तो जैसा कि आप नाम से ही जान सकते हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स वो रेलवे ट्रैक जो कि स्पेसिफिकली फ्रेट ट्रेन्स के लिए बनाए जा रहे हैं। और वहीं बात करें इसकी जरूरत की तो दोस्तों मेरे हिसाब से 2 मेन पर्सपेक्टिव हैं जिसके कारण इसकी जरूरत पड़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे ट्रैफिक। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो इंडियन रेलवेज का सिस्टम है वो एक काफ़ी बड़ा रेल सिस्टम है एंड करंटली बाय नेटवर्क साइज ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है। और एज ऑफ नाउ दोस्तों हमारे जो इंडियन रेलवेज है उनके पास में 13,169 पैसेंजर ट्रेन हैं जहाँ पर डेली 23 मिलियन से ज़्यादा ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं एंड वहीं साथ साथ में 8,479 फ्रेट ट्रेन भी है। और दोस्तों अगर आप रेलवे से ट्रैवल करते हैं तो आपको ये पता होगा कि हमारी जो रेलवे ट्रेन है वो अक्सर लेट होती हैं, चाहे 2 घंटे हो और चाहे 4 घंटे हो। और इसी के चलते जो रेलवे पैसेंजर्स हैं उनको काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इसका मेन रीजन ये है कि हमारे जो रेल ट्रैक्स है वहां पर बोथ पैसेंजर ट्रेन एंड जो फ्रेट ट्रेन है वो एक ही ट्रैक पर चलती है जिसके चलते कई बार पैसेंजर ट्रैक्स को रास्ता देने के लिए फ्रेट ट्रेन को रोकना पड़ता है और वही कई बार फ्रेट ट्रेन को रास्ता देने के लिए पैसेंजर ट्रैक्स को रोकना पड़ता है। एंड दोस्तों ये एक मेन रीजन माना जा सकता है कि हमारे देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है। और वहीं अब बात करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करंटली हमारी जो रेलवे ट्रैक्स है वहां पर क्योंकि काफी ज्यादा रेल ट्रैफिक है तो इसी के चलते ये ऑब्वियस ही है कि हमारी जो रेलवेज हैं उनकी ट्रेन की स्पीड बहुत ही कम होगी। एंड करंटली हमारे देश में जो फ्रेट ट्रेन हैं उनकी स्पीड 25 किलोमीटर/आवर है जो कि एवरेज स्पीड है जो कि बहुत ही लो मानी जाती है। और वहीं दोस्तों अगर आप इसे चाइना से कंपेयर करते हैं तो चाइना की जो फ्रेट ट्रेन हैं उनकी एवरेज स्पीड 125 से लेकर 150 किलोमीटर/आवर तक है जो कि आप देख सकते हैं कि 5 to 6 times ज्यादा है। और क्योंकि दोस्तों हमारे देश में जो फ्रेट ट्रेन है उनकी स्पीड काफी लो है तो इसी के चलते हमारे देश में जो बिजनेसमैन है वो रेलवे की फ्रेट ट्रेन का इस्तेमाल करने के बजाय जो रोड फ्रेट है उसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और मेनली यही कारण है कि हमारे देश में जो फ्रेट इंडस्ट्री है क्योंकि स्पेसिफिकली हमारे रेलवे का जो फ्रेट बिजनेस है वो इतनी तेजी से ग्रो नहीं हो पा रहा है जितनी तेजी से रोड फ्रेट ग्रो हो रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें तो करंटली हमारे देश में जो टोटल फ्रेट इंडस्ट्री है उसमें हमारे जो रोड फ्रेट ट्रैफिक है उसका शेयर 60-65% का है एंड वहीं उसमें हमारी जो रेलवेज है उसका फ्रेट शेयर सिर्फ 30-35% का है। जबकि हमारी जो इंडियन रेलवेज है उनकी मेन इनकम एंड रिवेन्यू का सोर्स उनका फ्रेट बिजनेस ही है। और करंटली हमारी जो रेलवेज की टोटल रिवेन्यू होती है उसमें जो उनका जो फ्रेट बिजनेस है वो 60-65% का कंट्रीब्यूशन करता है। और दोस्तों हमारी रेलवेज चाहती है कि वो इस रिवेन्यू को भी इंक्रीज करे एंड साथ साथ में जो फ्रेट शेयर है हमारे देश में उसको भी इंक्रीज करे एंड इसी के चलते उनकी तरफ से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है एंड ये भी एक काफी बड़ा रीजन है कि इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और वहीं दोस्तों आप बात करते हैं इनके बेनिफिट्स के बारे में। तो वैसे तो दोस्तों ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं इनके भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं पर मेरे हिसाब से 2 मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट्स के बारे में बात करूं तो फर्स्टली क्योंकि न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा तो ऐसे में आने वाले समय में जो पैसेंजर ट्रेन्स एंड जो फ्रेट ट्रेन्स हैं वो अलग अलग ट्रैक्स पर चल पाएंगी एंड ऑटोमेटिकली हमारे जो रेलवेज का ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा क्योंकि हमारी रेलवेज का प्लान है कि वो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कंप्लीट हो जाने के बाद में जो रेलवेज की टोटल फ्रेट ट्रेन्स है उनमें से अराउंड 70% ट्रेन्स को इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर्स पर ट्रांसफर कर देंगे जिसके चलते दोस्तों आने वाले समय में हमारे देश के जो फ्रेट ट्रेन्स हैं एंड साथ साथ में जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं वो एफिशिएंटली ऑपरेट हो पाएंगी एंड साथ साथ में जो स्पीड है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज होती हुई देखने को मिल सकती है। और क्योंकि दोस्तों जो रेलवेज हैं उनकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और लेट भी नहीं होगी तो ऐसे में आने वाले समय में जो रेलवे पैसेंजर्स हैं उनको काफी बेनिफिट मिलने वाले हैं। और वहीं अब बात करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। तो दोस्तों एक बार ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं इनके ऑपरेशनलाइज हो जाने के बाद में हमारे देश के जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे जिसके चलते हमारे देश के जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं उनके बीच में जो फ्रेट है वो इजीली एंड फास्टली ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। और क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं होगा तो ऐसे में जो फ्रेट ट्रेन्स हैं इनकी स्पीड्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। और क्योंकि ये ट्रैक्स न्यू होंगे तो ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न होगा कि इनकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। एंड वहीं दोस्तों हमारी जो रेलवेज है उनका टारगेट है कि वो उनकी जो फ्रेट ट्रेन्स की एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर/आवर तक है उसको इंक्रीज करके 100 किलोमीटर/आवर तक कर देंगे एंड साथ साथ में हमारी जो रेलवेज है उनके द्वारा इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पर और भी लंबी फ्रेट ट्रेन्स को ऑपरेट किया जा सकेगा। और अगर आप मेरी डेली इन्फोटॉक्स वाली सीरीज को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि हमारी जो रेलवेज है
उनके द्वारा इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के जो सेक्शन अभी तक ओपन हो चुके हैं वहाँ पर 2-3 बार 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन को ऑपरेट किया जा चुका है, जो कि हमारी रेलवे के लिए काफ़ी बेनिफिशियल सामने निकल कर आई है। और वहीं दोस्तों लास्टली मेन पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो कि हमारी देश की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट देखता हूँ कि करंटली हमारे देश में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 13-14% के करीब है, जो कि काफ़ी हाई मानी जाती है। एंड यही मेन रीज़न है कि हमारे देश में कोई भी कंपनी आने से पहले चाइना को सिलेक्ट करती है एंड चाइना को प्रेफर करती है, जबकि ग्लोबल एवरेज पर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 8% के करीब है। और चाइना इतना सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि जो चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो ग्लोबल एवरेज से भी कम है, जो कि अराउंड 7% के करीब है। और मेरे हिसाब से हमारे देश में जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उनको बनाने का सबसे बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी रेलवे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करने में लगी हुई है। और दोस्तों जून 2022 तक ये जो दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स है, यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वहीं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि अराउंड 3,360 किलोमीटर के होंगे कंबाइंड लेंथ में, वो ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, जिसके चलते आने वाले समय में दिल्ली से मुंबई एंड दिल्ली से कलकत्ता, जो कि तीनों के तीनों बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स माने जाते हैं, इनके बीच में जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट है वो इजीली हो पाएगा एंड साथ साथ में फास्टली हो पाएगा। एंड दोस्तों उसके बाद में ये हमारी रेलवेज के लिए या फिर हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।